नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। मेरे बहुत दिन से दिमाग में एक बात चल रही थी कि हस्तरेखा में एक चिन्ह बन जाता है, M का चिन्ह। मेरे साथ वाले मित्रों ने निश्चित रूप पर उस पर कोई ना कोई शोध किया होगा, तब जाकर के उसे किसी ना किसी व्यक्ति ने M के रूप में निर्धारित किया और उसके फलों को बताया। जब यह बात मुझे ज्ञात हुई तो मैंने भी उस पर शोध शुरू किया कि भाई ये M का चिन्ह जो है, इसका लाभ मिलता भी है या नहीं मिलता है, या केवल और केवल YouTube के माध्यम से सिर्फ एक प्रचार का मात्र इसको कारण कह सकते हैं। तो जब हम इस चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो हम चाह पाते हैं कि ये लगभग लगभग जो M की सी आकृति यहाँ पर आपको दिखाई देती है, यह हस्तरेखा में मैं समझता हूँ कि 60-70% वो लोग हैं जिनके हाथ के अंदर ये M की आकृति पा जाती है। और जब ये M की आकृति पा जाती है तो वह लोग धनाढ्य क्यों नहीं बने? जब मैं उनका हस्तरेखा देख रहा हूँ तो मुझे पता लगा कि उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। तो ये M की आकृति बनने के बाद भी उनको फलों की वृद्धि क्यों नहीं मिली, उनको धन का लाभ क्यों नहीं मिला, ये मेरा विषय रहा। तो मैं इसको शोध करके निपटा तब मुझको पता चला कि कौन से हाथ का M बना हुआ भी फलों में वृद्धि नहीं करता, यानी धन से, बुद्धि से, स्वास्थ्य से, किसी भी क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। तो इसी विषय के जो मेरे कुछ शोध हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, इसको कोई 10-15 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकता। तो चलिए बात करता हूँ, सीधा सीधा विषय पर आता हूँ। यहाँ पर यदि आप देखते हैं कि कोई हाथ है, और इस हाथ में सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से प्रकार से आपको इसके फलों का लाभ नहीं मिला। अगर आप यहाँ पर एक अनुभूति बनाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर एक M बनने का प्रयास हो रहा है, यदि यह M बनने का प्रयास हुआ, व्यक्ति का हाथ देखा, उसके बाद भी उसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब मिली, एकदम नकारात्मक मिली, एकदम किसी भी प्रकार से यहाँ पर हमको कोई पॉजिटिविटी या लाभ नहीं प्राप्त हुआ, उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा, एक तो हाथ के अंदर ये देख लीजिएगा कि वह M की आकृति यदि बन भी गई है व्यक्ति की, तो क्या व्यक्ति के हाथ के अंदर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आपको एक दीप की आकृति नज़र आएगी, एक सांप सा चलता नज़र आएगा, और वह किस चीज़ पर है? वह है आपकी बुद्धि रेखा पर। इसका मतलब वह बुद्धि काम नहीं करेगी तो भाग्य रेखा क्या करेगी? निश्चित रूप से मैं यहाँ केवल बुद्धि की बात नहीं कर रहा, बुद्धि के साथ साथ उसकी भाग्य रेखा भी खराब होगी। और कुल मिलाकर के देखिए, रोटी खाना एक अलग बात है, लेकिन जीविका को सही तरीके से प्राप्त करने के लिए बुद्धि का भी अव्वल होना जरूरी है, बुद्धि का भी सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी है। तो एक कारण यहाँ पर अगर देखें तो वो फेल हो गया कि यहाँ कुल मिलाकर के व्यक्ति को लाभ नहीं मिला इस M का। आप दूसरा चित्र देखेंगे मेरा, तो यहाँ पर देखिएगा, आपको आकृति मिल गई, मान लिया आपको यहाँ भी M की आकृति मिल गई, चलिए M की आकृति मिल गई, फिर लाभ की वृद्धि क्यों नहीं मिली, फिर लाभ की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यदि आप देखेंगे तो इस हाथ के अंदर जो मैं दूसरा ये आपको बता रहा हूँ कारण, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक प्रकार की बेल या एक प्रकार के दीप आपकी हृदय रेखा और साथ ही साथ आपकी आयु रेखा के अंदर पड़े हुए हैं, यानी ये भी एक अपने आप में दूषितता अगर मैं कहूँ तो ये लगातार यहाँ पर चल रही है। तो M के फलों की वृद्धि का सवाल ही पैदा नहीं होता, शरीर स्वस्थ नहीं, हृदय स्वस्थ नहीं, पत्नी के साथ टकराव, कभी स्वास्थ्य का सही नहीं रहना, कुल मिलाकर हृदय से संबंधित जो कारक होते हैं उनके अंदर
अगर कलेश रहेगा तो क्या वृद्धि होगी, शरीर में यदि रोग रहेगा तो क्या वृद्धि होगी, तो यह एम का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सरलता से बता रहा हूँ। तीसरा प्रकार आप यदि देखेंगे तो आपको तीसरा प्रकार मिलेगा कि आपके यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये एक रेखा है, ये एक आपका पर्वत है, इसकी बुद्धि रेखा भी ठीक, इसकी आयु रेखा भी ठीक और इसकी हृदय रेखा भी ठीक। जब ये तीनों चीज ठीक है तो व्यक्ति के जीवन में एम का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? भाई एम का लाभ कहाँ से मिलेगा? शुरू में तो यहाँ पर बिल्कुल बुद्धि की शुरुआत में ही एक गैप आ गया, व्यक्ति को बुद्धि नहीं थी। चलिए यहाँ से बुद्धि नहीं थी तो कोई बात नहीं, किसी भी व्यक्ति को 15 साल के बाद, किसी को 8 साल के बाद बुद्धि का अपने जीवन के अंदर आगमन होता है। परंतु यदि यहाँ देखें तो इस रेखा पर एक काला तिल नज़र आया आपको, इस रेखा पर आपको एक्स का तिल नज़र आया। ऐसी ही स्थितियाँ यदि आपको हृदय रेखा पर भी मिल जाए और अगर आपकी आयु रेखा पर मिल जाए या किसी भी एक रेखा पर मिल जाए तो फिर भी आपको एम के फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो कौन से फल के एम ऐसा बने जो फलों की प्राप्ति हो? बहुत ही सच्ची सी बात और अच्छी सी बात। अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, एक और कारण बता दूं आपको कि यदि आपके हाथ के अंदर आपकी पास एक बहुत सुंदर सा एम बन गया है और यदि उसकी भाग्य रेखा पर भी लगातार ये कटिंग है या यहाँ पर आपके इस पर्वत से निकल करके और रेखाएं लगातार आपकी बुद्धि रेखा को काटती हैं, आपकी आयु रेखा को काटती हैं, आपकी हृदय रेखा तक पहुँच जाती हैं, तो वह भी आपके एम के फल में ऋणात्मकता प्रदान करेंगी, नेगेटिविटी प्रदान करेंगी और जीवन में उस एम का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कौन से एम का फल प्राप्त होगा यह अब मैं विषय पर लाता हूँ। देखिए यहाँ अगर आप इस चित्र के अंदर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एकदम हृदय रेखा थी और जाकर शनि पर्व के नीचे खत्म हुई। हो सकता है बृहस्पति पर्व के नीचे भी खत्म हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ यही रेखा जाकर के अगर यहाँ खत्म हुई तो बहुत सुंदर सी एक रेखा बुद्धि रेखा का यहाँ पर उदय हुआ। तो बुद्धि रेखा भी बहुत अच्छी, आयु रेखा भी बहुत अच्छी, भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी, पर्वत भी बहुत उन्नत, तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये वो एम बना जिसकी अगर देखता हूँ तो हृदय से मजबूती, भाग्य रेखा का साथ, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ होना, आयु में किसी प्रकार का विलंब ना होना, तो व्यक्ति निश्चित रूप से इस एम का लाभ अपने जीवन में सब क्षेत्रों के द्वारा प्राप्त करेगा। यह आकृति दूसरे प्रकार से बन सकती है। अब मान लिया आप यहाँ देखेंगे कि आपको ये दिखाई मैंने कि भाई ये तो मर्ज हो गई बुद्धि रेखा के अंदर। चलिए ठीक है, यहाँ मर्ज नहीं हुई, अगर आप देखेंगे तो यहाँ मर्ज नहीं हुई। अब इसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि भाई ये रेखा यहाँ पर मेरी हृदय रेखा जाकर ये बृहस्पति को चली गई, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पर एक रेखा जाकर के और यहाँ से चली और ये यहाँ बृहस्पति को चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ जाने के बाद अगर इसकी आकृति इस प्रकार से जा रही है और किसी रेखा के कटिंग नहीं है तब भी एम का लाभ मिलेगा। तीसरी आकृति बता देता हूँ, अब आपने देखा कि यहाँ हृदय रेखा आई और जाकर के सीधा जाकर बृहस्पति को चली गई। अब इसके अंदर एक भाग्य रेखा, भाई भाग्य रेखा की बहुत कम गति मिलती है जो बृहस्पति पर्वत को जाए, यहाँ से एक रेखा गई और सीधी सीधी यहाँ पर जाकर चली गई आपके पर्व को, कहाँ चली गई? ये चली गई शनि पर, धन के कारक पर चली गई। यहाँ इस रेखा की आकृति को यदि आप पढ़ेंगे
तो इसको एम आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि यहां से ये रेखा और यहां से इस रेखा का ये गति और यहां से फिर ये एम इस तरीके से जाकर के यहां पर गया। रेखा में कटिंग नहीं है, मैंने विषय में बता दिया है आपको। अगर रेखा में कटिंग आ गई तो उसके फलों की वृद्धि नहीं होगी, उस एम का आपके जीवन में लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि इस प्रकार के विकार आपकी इन रेखाओं में आ गए हैं, यहाँ कटिंग हो गई है या राहु रेखाएं आ गई हैं या दीप हो गया है या एक्स का चिन्ह बन गया है या काला तीर हो गया है, तो निश्चित रूप से उस एम का लाभ आपके जीवन में नहीं होगा। तो आज यहाँ पर इस प्रकार से भी बन जाता है कई बार। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया वह कौन सा एम है जिसका आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की, प्रगति, प्रमोशन सब कुछ आपको ऊंचाइयों को आपको प्राप्त करा देता है, वह शुभ एम चिन्ह। आगे भी मेरे साथ में अन्य विषयों पर जुड़े रहिएगा, मैं आपको उनसे अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार।